है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो हम बनाएंगे एक अदद HTML का पेज। अब देखिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, और यहाँ पे बना दिया मैंने एक टेबल के अंदर TD होता है, TR होता है, अच्छा TR होता है, सही है, बहुत टाइट वाले यार। अबे इतनी पी पी के थक गया मैं यार, नींद ही नहीं बहुत। TR के अंदर क्या है? TD है, ठीक है, क्या बता रहे थे? हाँ, अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जनाब कुछ भी नहीं, और इस TD के अंदर मैंने जो है वो एक लिख दिया नहीं, ठीक है। अब ये एक्चुअली बहुत सारे TR है हमारे पास, तो पहली TR की जो TD है ना, इसमें चेक बॉक्सेस हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, सही है, और दूसरी में कोई नाम लिखा हुआ है जैसे कि इसरार अली। अब मल्टीपल TRs मैं यहाँ बना देता हूँ, बहुत सारी हो गई, चेंज कर देते हैं, या वन लगा देते हैं, या टू लगा देते हैं, या थ्री लगा देते हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सही है। अब इसका आउटपुट जो है वो हमें देखना है कि क्या हो गया। चलें, अब इसका आउटपुट अगर हम देखना चाहते हैं जनाब, तो इसका आउटपुट हमें कैसे नज़र आएगा? इसका आउटपुट हमें नज़र आएगा इस पेज का आउटपुट देखने से। अच्छा, इस पेज का आउटपुट जो है वो कुछ इस किस्म का है, ठीक है। एक आपके पास सॉर्ट ऑफ ग्रिड है जिसमें चेक बॉक्सेज हैं मल्टीपल और नेम के कॉलम के साथ, ठीक है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो jQuery की लाइब्रेरी जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन और इसमें जो है वो मैंने लिखा जनाब डॉलर, क्या कह रहे हैं, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज नहीं किया, अच्छा क्या नहीं लगाया, अच्छा सही, ठीक है ठीक है, शाबाश, जागते रहना। TXT जावा स्क्रिप्ट, अच्छा अब ये जो है वो हमने यहाँ पर जनाब लिखा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ इनपुट, इनपुट सेलेक्ट होकर आ जाएंगे, मैंने लिखा वैसे करके लिख सकता हूँ टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, एक और भी तरीका है मैं ऐसे लिख दूँ चेक बॉक्स, सारे चेक बॉक्स सेलेक्ट होकर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है वो लिख रहा हूँ डॉट एट्रीब्यूट, सही है, और डॉट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने लिखा चेक्ड, और इसमें लिख दिया मैंने चेक्ड, सही है, ठीक है। अब चेक चेक क्या होता है? चेक चेक ये होता है कि आप जब इस पेज को रन करेंगे, ये आपका पेज है, सारे चेक बॉक्स चेक होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसको मजीद अगर आप और समझना चाहें तो देखिए, मैं यहाँ पर अब एक बटन बना रहा हूँ। बटन के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? रेडियो बटन। बटन के लिए क्या करते हैं? आप बटन भी लिख सकते हैं, बटन ID इक्वल्स टू BTN सेलेक्ट ऑल, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सेलेक्ट ऑल, नतीजे में यहाँ पे बटन बन जाएगा एक सेलेक्ट ऑल, सही है। लेकिन अब ये इनपुट टाइप नहीं है, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कौन से टैग से करेंगे? बटन के टैग से, क्योंकि अब ये टैग डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे जो है ये वाला जो कोड है, ये मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, डॉलर क्या लिखूँ, बटन डॉट क्लिक फंक्शन
आ जा भाई, ये वाली लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं, सही है। अब इसका आप आउटपुट देखें भाई, डिफॉल्ट तो नहीं है। अब देखें यहाँ पे जो है वो, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट करते वक्त आपको ये नज़र आएगा कि बॉडी में ये जो टेबल है, इसमें जो ये TR के अंदर सारे जो चेक बॉक्सेस हैं, ये रहा चेक बॉक्स, ये लिखा हुआ इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। अब मैंने देखें सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया तो इसके अंदर एट्रीब्यूट बढ़ गया है, चेक इक्वल्स टू चेक। समझ में आ रही बात, सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और बटन बना दूं, तो मैं चाह रहा हूँ सिलेक्शन हट जाए, तो अनसेलेक्ट लिखूंगा या रिमूव सिलेक्शन लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डी सिलेक्ट लिख दूं, डी सिलेक्ट ऑल, फिर क्या लिखूं? अनसेलेक्ट लिखूं, चले अनसेलेक्ट लिखते हैं, अब सही है। चले इस बटन की आईडी हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? अनसेलेक्ट ऑल। अब देखें यहाँ पर जो है मैं लिख रहा हूँ, अब बटन सेलेक्ट हो जाएंगे दोनों, आईडी से करना पड़ेगा ना, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हैश, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ भाई, जिनकी समझ में आ रहा है उनसे जरूर पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ हाँ भाई, चुप 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 जो है, क्यों चुप हो भाई? हाँ आ रहा, btn unselect all dot click। इस तरह डॉट एट्रीब्यूट से एक एट्रीब्यूट बढ़ जाता है, ऐसे रिमूव एट्रीब्यूट से एट्रीब्यूट रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट ही रिमूव हो जाएगा, या ना आप रिमूव एट्रीब्यूट चेक्ड। नतीजा ये होगा कि जब आप इस पेज का आउटपुट देखेंगे तो सिलेक्ट ऑल से ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, अनसिलेक्ट ऑल से अनसिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, ऐसा ना करो यार, ऐसा नहीं करो यार, मेरा दिल टूट जाएगा यार, ये नहीं आपको पता क्या है। हाँ गैस करें क्या ये? हाँ किसकी आईडी? तो बस यही तो लिखा है मैंने, किसके पीछे ऐश लिखा है? हाँ हाँ तो यही तो बता रहा हूँ, आपने पहली क्लास ली थी, दूसरी ली थी? हाँ यार ये तो गड़बड़ है ना भाई, वीडियो देखी थी सेकंड की, तो ये तो अब एंजॉय करें, आप चिल करें, फिर कोका कोला वाला चिल करें हैं। ये तो है, देखिए आप किसी की शादी में जाएं और लिफाफा ना दें उसे, और खाने के टाइम पे पहुंच के खाना खाने पहुंच जाए, हटेगी कि उसकी नहीं हटेगी हैं? हाँ हटेगी ना। अब आपको मैंने बेटा सेकंड क्लास में डिटेल से मैंने सिलेक्टर सारे बताए थे CSS के अंदर, तो मैं तो अभी अज्यूम कर रहा हूँ ना कि रिवीजन आप कर कर आए, इसको आप जो सेकंड क्लास की वीडियोस देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। क्लास तो मिस नहीं करें ना भाई, क्लास मिस करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। मैंने पहले कहा था कि आगे की तमाम क्लासेस पिछली क्लासेस से लिंक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे पिछली चीजें आपको आनी चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ सर्टिफिकेट तो शायद मिल जाएगा आपको, लेकिन ये कि मज़ा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर जब मुझे मज़ा नहीं आता ना तो मैं ऐसी तेज़ी से निकलता हूँ कि पता भी नहीं चलता किसी को, आउटलाइन भी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं,
हाँ, हमने चेकबॉक्स को चेक्ड और अनचेक कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ऐसे, ठीक है, ये भी एक तरीका। अब देखें ये जो सिलेक्टर्स हैं यहाँ पे, ये इस सिलेक्टर का क्या मतलब है कि ऑड नंबर में पी सिलेक्ट करके ले आओ, और इससे नीचे जो है लिखा हुआ है एल आई कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, इसका मतलब है कि एल आई का पहला चाइल्ड सिलेक्ट करके ले आओ, ठीक है। ये सारे बटन सेलेक्ट करके लिए आएगा, ये सारे रेडियो बटन सेलेक्ट करके लिए आएगा, ये अभी मैंने बताया आपको सारे चेक लिखा आ जाएगा, ये वो सारे लिए आएगा जो चेक्ड है, सही है, सही, उसको लिए आएगा, सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? यार अभी कह रहे हो हाँ, किस तरह लाएगा, किस तरह लाएगा, ये तो जैकी जेक्यूरी की लाइब्रेरी में मौजूद है, आप ये समझेंगे सिलेक्टर लेकर क्या आएगा, सही है, ये क्या लेकर आएगा, वो चेक बॉक्स या वो रेडियो बटन जो कि चेक है, अब वो आ जाएंगे, उनके ऊपर ऑपरेशन आपने क्या क्या परफॉर्म करना है वो अलग बात है। यहाँ ध्यान में ये रखिएगा, अभी तक हम सिर्फ सिलेक्टर्स पढ़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं गए कि उनके ऊपर करना क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, जेक्यूरी में करते क्या है, दो काम है, सिलेक्ट करना किसी एलिमेंट को, फिर उस पर कोई लॉजिक अप्लाई करना, सही है। तो ये तो अभी सिलेक्टर्स देख रहे हैं हम, सही है, ठीक है, मसला तो नहीं है, पक्की बात है, आगे चले जी। हाँ हाँ ये तो बेटा ग्रुप बनेगा ना रेडियो बटन का, जो मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि अगर आप इनका नाम सेम रख देंगे तो इनमें से एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा, बताया था ना वो जो जेंडर वाला बताया था मैंने, जे क्यूरी के थ्रू आप कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पर रेडियो लिखेंगे और क्या करेंगे बताएं, सेलेक्ट कर रहा है ना, जी क्यूरी के थ्रू क्यों सेलेक्ट करवा रहे हैं, यूजर से सेलेक्ट करवाएं, ये तो यूजर सेलेक्ट करेगा ना, प्रेजेंट था एब्सेंट था या लीव था, एट अ टाइम तो एक ही होगा, वो तो आपने ग्रुप नेम सेम दे दिया ना, उसका जी क्यूरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं मजीद, अब देखिए मैं यहाँ पर जो है वो एक और वेब पेज ऐड कर रहा हूँ, क्लियर है भाई, अब मैं यहाँ पर एक और वेब पेज ऐड कर रहा हूँ, और इस वेब पेज के अंदर देखिए अब मैं बना रहा हूँ एक अदद टेबल, और टेबल के अंदर मैंने बना दिया, जाहिर है टी आर ही बनाऊंगा यार, और इसमें मैंने देखा देखें लिखा यूजर नेम, और फिर टी डी के अंदर जाके मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अच्छा इसकी आईडी भी डिफाइन कर दी, इसको मैंने कह दिया टीएक्सटी नेम, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है वो एक और टी आर हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको मैंने कह दिया पासवर्ड, इसको कह दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, इसकी आईडी हमने रख दी टीएक्सटी पासवर्ड, और फिर हमने यहाँ पे एक और टी आर बना दी, और यहाँ पे ले लिया हमने इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, आईडी इसकी ले ली हमने बी टी एन लॉग इन, और वैल्यू इसकी ले ली जनाब लॉग इन, इसका आउटपुट आपको क्या नज़र आएगा, इसका आउटपुट आपको नज़र आएगा, इसका आपको ये वाला आउटपुट नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे जो है वो आप लोग चाय पिए, मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, ठीक, जाए चाय पी कर आए आप लोग। और उसके अंदर हमने किया ये था कि अभी एक टेबल बनाया था, और उस टेबल के अंदर जनाब हमारे पास यूजर नेम था पासवर्ड था, ठीक है, आउटपुट जो हमने बनाया था, जो अब तक हमने बनाया था उसका आउटपुट जो है वो कुछ इस किस्म का है, ये इसका आउटपुट है। अच्छा अब इस टेबल के नीचे जो है वो मैं एक डिव बना रहा हूँ,
तो जनाब ये वाला डिव जो है वो आपको कुछ, अगर इसका मैं कुछ CSS इसकी डिफाइन कर दूं तो ये आपको नजर आएगा स्टाइल, और देखिए मैंने इसका लिखा कलर बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया रेड। साथ ही साथ जो है वो इसकी विड्थ मैंने डिफाइन करी, विड्थ मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसकी 50%, और इसकी हाइट भी मैंने डिफाइन कर दी, हाइट मैंने दे दी 300 पिक्सल्स। बस सारी बातें तुम्हारी मानो है, और उसके बाद जो है इसको मैंने यहाँ पे देख लिया। लेकिन ये डिव आपको कहाँ नजर आ रही है? टेबल के नीचे। ये डिव नीचे क्यों नजर आ रही है? टेबल के बाहर या टेबल के बाद? तो बेसिकली हमने पहले टेबल बनाया, उसके बाद डिव बनाई है। तो ये चीज हमारी पिछली क्लासेस में भी डिस्कस हुई कि पहले टेबल बनाया तो टेबल नजर आ गया, फिर डिव बनाई है तो डिव नजर आएगी। यानी कि होता ही है कि बाय डिफॉल्ट आप जो भी कंट्रोल बनाते चले जाते हैं, जिस जगह बनाते हैं उसके हिसाब से वो वेब पेज पे अपेयर होता है। टेबल जितनी जगह लेगा उसके बाद डिव शुरू होगी। अब टेबल में अगर 10 TR होती है तो 10 TR एंड होंगी, उसके बाद डिव शुरू होगी, और जो चीज पहले बनेगी वो हमेशा 0 0 से स्टार्ट होगी। 0 0 से मुराद लेफ्ट टॉप पर, लेफ्ट भी 0 टॉप भी 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये जो सिचुएशन होती है इसको इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। तो अब जो है इस कॉन्सेप्ट को हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। तो देखिए मैं यहां पर जो है CSS के लिए कौन सा टैग यूज करूंगा, स्टाइल। और जनाब इसके अंदर जो है वो मैंने लिखा टेबल, तो टेबल सेलेक्ट होकर आ जाएगा। अच्छा, अब टेबल के अंदर देखिए मैं लिख रहा हूं पोजीशन रिलेटिव, सही है? मैंने लिखा लेफ्ट 200 पिक्सल्स। लेफ्ट में क्या वैल्यू दी है? 200 पिक्सल्स। नतीजे में आउटपुट में देखें आप कि टेबल जो है वो लेफ्ट से 200 पिक्सल्स आगे हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर जो है वो टॉप डिफाइन करता हूं, और टॉप भी मैंने दे दिया 200 पिक्सल्स, तो अब ये टॉप से नीचे आएगा, सही है? ठीक है ना। अब इसको आप कर दें 300 300। ये यहां पर पहुंच गया। मजीद आप चाहें तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये जो पोजीशनिंग है ये रिलेटिव पोजीशनिंग है। देखें यहां एट्रीब्यूट मैंने क्या यूज किया है, रिलेटिव। रिलेटिव से मुराद के एक्चुअल इसकी पोजीशन कुछ और है, वहां से ये रिलेटिवली आपने मूव किया है। एक्चुअल पोजीशन इसकी कहां है? वहीं पर है। अच्छा, एक्चुअल पोजीशन इसकी वहां पर है इसलिए भी क्योंकि देखिए डिव अभी तक वहीं मौजूद है, डिव ऊपर नहीं गई है। टेबल ने अपनी जगह चेंज की लेकिन डिव ने जगह नहीं चेंज करी, क्योंकि डिव को ये लग रहा है कि ऊपर टेबल मौजूद है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, डिव अपनी जगह पर मौजूद है क्योंकि डिव की जो पोजीशन है वो कौन सी है? एब्सोल्यूट है। तो डिव को भी चेंज कर सकते हैं हम। डिव के अंदर जाके मैंने कहा पोजीशन रिलेटिव, और इसका मैंने लिखा लेफ्ट 300 पिक्सल्स, और इसका टॉप वो भी दे दिया मैंने 300 पिक्सल्स। अब देखें एग्जैक्टली ये टेबल के नीचे आ गया, ये यहां क्यों आया? देखिए रिलेटिव पोजीशनिंग है। रिलेटिव का मतलब जहां पर ये मौजूद था वहां से 300, टेबल की 300 यहां से शुरू हुई थी, जबकि डिव की 300 यहां से शुरू हो रही। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप देख रहे हैं कि टेबल एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे आया हुआ। तो पोजीशन जब रिलेटिव होती है तो इसके बड़े एडवांटेज हैं, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं किसी भी चीज को। लेकिन इसका मसला ये हो जाता है बाज़ औक़ात कि जैसे अगर टॉप में यहां पर जो है वो 300 के बजाय अगर दे देता हूं 100, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये जो डिव है ये टेबल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ओवरलैप कर लेगी इसे।
तो जब पोजीशन रिलेटिव होती है तो अक्सर ऐसे ही होता है कि एक जगह पे मल्टीपल जो है वो आपके चीजें नजर आ जाती है। तो अब क्या करें भाई, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसको कहा जाता है जी इंडेक्स, जेड इंडेक्स। अब देखिए जेड इंडेक्स मैंने यहाँ 10 दे दिया, ठीक है, कौन है भैया। और उसके बाद जो है यहाँ पे जेड इंडेक्स मैंने कितना दे दिया, 11। बड़ा जेड इंडेक्स किसका है, डिफ का है, तो डिफ ऊपर है। अब मैंने यहाँ जो है वो 12 कर दिया। अब बड़ा जेड इंडेक्स किसका है, टेबल का, टेबल ऊपर आ गया, सही है। तो जेड इंडेक्स जो है वो यूज होता है जब पोजीशन रिलेटिव हो। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में जेड इंडेक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन में कभी भी दो दो चीजें एक साथ कोलाइड करती नहीं है, एक जगह पे आती नहीं है। एक चीज खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। रिलेटिव में क्या होता है कि एक ही साथ वो आ सकते हैं, लिहाजा फिर आप क्या यूज करते हैं, जेड इंडेक्स यूज करते हैं। हाँ, 1 2 भी दे सकते हैं, बस इसमें ध्यान में रखना होता है कि बाज़ औक़ात आपको ही जो है वो अगर कोई कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो उसके आपको देखना पड़ता है, उसके ऊपर लाने के लिए कोई बना बनाया कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो फिर उसका चेक करना पड़ता है कि उसका एक्चुअली है क्या, फिर उससे बड़ी वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे आप कोई डायलॉग यूज कर रहे हैं बना बनाया, अब उसकी 1000 है तो फिर आपको 1001 देनी पड़ेगी, सही है। आ सकता है, वहां भी आ सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना आप कहाँ चढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बहरहाल ये डिव जो है वो टेबल के ऊपर है, सही है। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि ये जो डिव है, इस डिव के अंदर जनाब, इस डिव के अंदर जनाब मैं एक अदद बना रहा हूँ बटन, ठीक है, और बटन में मैंने लिख दिया एक्स ऐसे, और इसकी मैंने एक आईडी डिफाइन कर दी, आईडी इक्वल्स टू btn क्लोज। तो बटन नजर आएगा फिर आपको, ये आगे बटन, इसमें क्या बना हुआ है, एक क्रॉस बना हुआ है, सही। अब मैं क्या करूंगा कि इसके क्लिक के ऊपर जो है वो क्लोज करूंगा, हाइड करूंगा इस डिव को। तो वो मैं कैसे करूंगा, बाय यूजिंग जावा स्क्रिप्ट jQuery। तो ये मैंने jQuery यहाँ लाइब्रेरी ली, और अब देखिए मैं यहाँ पर जो है वो स्क्रिप्ट का टैग लगा रहा हूँ, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने लिखा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और जनाब इसके अंदर जाकर अब जो है वो मैं लिखूंगा डॉलर हैश btn क्लोज डॉट क्लिक, फिर आ गया इसका फंक्शन। और इसके अंदर जाके जो है वो मैं क्या लिखूंगा, डॉलर div डॉट हाइट। अरे आ जा भाई स्लो, ठीक है, एक ही डिव है उसको हाइट कर दिया हमने, लिहाजा अब पेज को आप इस रिफ्रेश करें और इस पे क्लिक करें, डिव हाइट हो गई। जब डिव हाइट हो गई तो क्या नजर आ गया, सही। तो अब आपने इस डिव पे अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो वो आपको नजर आएगा, जैसे अगर इसमें आपने लिखा हुआ हो जनाब बी आर, और इसमें मैं आपने लिखा वेलकम टू, अबे यार वेब इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको आप रख लें इनसाइड, इनसाइड फॉन्ट टैग रखें इसे, इसका साइज डिफाइन करें 7, ठीक है, इसका कलर डिफाइन करें लाइट वाइट, वाइट वाइट तो होता ही लाइट है, सही है। और फेस एट्रीब्यूट भी दे देते हैं, इसका फेस एट्रीब्यूट दे देते हैं हम, फॉन्ट फैमिली जो होती है ना वो फेस एट्रीब्यूट होता है।
जनाब आप यहाँ पे जो है वो अब इसको जब रन करके देखेंगे तो ये लिखा हुआ रहा है वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर इसको हमने क्लोज किया तो हम कहाँ आ जाएंगे, टेबल के ऊपर। ठीक है जनाब, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? नहीं है। हाँ, दोनों टॉप पर चाहिए, मतलब ऊपर चाहिए। हाँ 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 देखिए, वो जो टॉप हेडर होता है ना वो खास होता है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा होता आप जितनी भी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो वो रिलेटिव होता है, लेकिन बाकी चीजें रिलेटिव नहीं होती। ये जब आप चीज बनाएंगे ना तो उस पेज के हिसाब से आपको चीजें करनी पड़ेंगी, वो लाजमी रिलेटिव ही होगा। ठीक है, हाँ, डिव और लेकिन रिलेटिव होंगे जब आएंगे ना आप। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। हैं, गैप को टॉप कर दूं, मतलब कौन सा टॉप वाला गैप? अच्छा, चलें टॉप मैंने जीरो कर दिया, ये लें। ओपन विद, ये लें। हाँ अब बोले, हाँ डिफ को ऊपर लेके जाना है। हाँ तो उसकी पोजीशन टॉप करना पड़ेगा ना। अब आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? -100 सही है, जेड आप दे रहे हैं, इसको ऊपर लाना है तो इसको ऊपर रखें, उसको ऊपर लाना है तो उसका देते हैं बड़ा, सही। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, पोजीशन रिलेटिव करके जेड इंडेक्स करके ये काम किया आपने। मेरी बात समझ में आ रही है, ये ऊपर से जा रही है। हैं, क्या कह रहे हैं? पीआईए गुजर गई, चलें अच्छी बात है। अच्छा आप देखें, यहाँ पे और भी मजीद कुछ काम हो सकते हैं, मसलन यही जो चीज हम पोजीशन रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, तब देखिए मैं यहाँ पर जो है वो एक और वेब पेज ऐड कर रहा हूँ, ये HTML का पेज आ गया। तो ये रिलेटिव पोजिशनिंग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए हमें। मैंने यहाँ पर बनाया, ये कहता डिफ, पहले डिफ हम इधर सुन लो यार, ID इक्वल्स, तो मैंने इसको कर दिया DB मेन, सही है। फिर एक और मैंने डिफ बना दी और इसको मैंने कह दिया ID इक्वल्स टू DB मेडल, और फिर जो है वो फिर एक और डिप बना दी मैंने, और इसकी आईडी में मैंने डिफाइन कर दी, इसको मैं कह रहा हूँ डीबी फ्रंट। तो जनाबे वाले ये तीन डिप्स बना दी मैंने यहाँ पर, और जाहिर है अभी इन डिप्स के अंदर कुछ है तो नहीं, लिहाजा आपको जो आउटपुट नज़र आ रहा होगा वो